नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। वो नन्नी चुन्नी बच्ची है ना, दूध पीती है, अभी रोटी को चोची कहती है, गोदी है तुमने उसको। तुम समझा नहीं रही थी उसको, तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का रही थी। सुबह मैंने एक बर्तन नहीं धोया तो उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई। मेरे बाप को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। कह रही है कि तुम्हारा बाप आएगा बर्तन धोने, ये कोई तमीज हुई? अब ये आ गई है तमीज की उस्तानी, ये हम सबको बिठा कर तमीज सिखाएंगी। तो अस्मा भाभी, आपको सबके सामने कह देना चाहिए था ना कि उन्होंने दरवाजे पे कान लगा के बातें सुनी है। बोली तो नहीं पाती मैं। अस्मा भाभी, आप भी अपने लिए बोलना सीखें, मतलब फरद भाभी भी आपके सर पे ऐसे हावी हो जाएंगी जैसे अजरा भाभी है। वासिफ का? वो पीछे वाली गाड़ी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, वासिफ आए ना, तो उससे कह देना कि अच्छी तरह माल गिन के रख पाए। ठीक है। और जवान नसीर आ रहे हैं दुकान पे? वो कह रहे थे आज रात हो जाएगी कारखाने में ही। वो अच्छा, मैं जरा जल्दी चला जाऊंगा, वो मस्जिद में जमात आई हुई है तो असर की नमाज मस्जिद में ही पढ़ूंगा मैं। सही है। वासिफ आए ना, उसे भी बता देना कि मैं देर से आऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये माल चेक कर ले, ये आया आज। देखो, अरे जो बस आ रही है चलो को सीधी घर को जाती है। अरे पागल हो गई, अपना ओंधिया तक बस में जाएगी, मैं कर रही हूँ ना रिक्शा। बात सुनो बहन, ये रिक्शे के ना पैसे नहीं बचे मेरे पास। एक अंडा 2000 का दिया उस बाबा ने, गजब खुदा का, मुर्गी का अंडा ना हुआ कोई सोने का अंडा हो गया। और अभी 6 और लेने, यानी कि 7 अंडे 14000 के। अरे कहाँ से लाऊंगी मैं इतना पैसा। बात सुन, ए बात बता, ये तू बैठ के पैसे आने पाई का हिसाब कर रही है, हैं? पागल हो गई है क्या? अरे जिस दिन तेरा काम हो जाएगा ना, उस दिन ससुराल पे राज करेगी, ये सोच तू पागल ना हो तो। अंडा संभाला हुआ, कहीं पता चला घर जाने तक चटक जाए। चल पैसों की फिक्र नहीं कर, मैं दे लूंगी खुद। रुक जा, उधर वाले को बुलाती हूँ, शायद आ जाए। खाए भरे हुए सारे। Loved. Thank you. अजरा कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में होंगी। दादा मेरा कुरान खत्म हो गया। है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई सुनती हो, तुम्हारे पोते ने कुरान शरीफ खत्म कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी मेरा कुरान खत्म हो गया। माशाल्लाह, अब मैं इसकी आमीन कराऊंगी। आओ इधर आओ, इधर आओ, जा बैठो। शाबाश, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। शाहजेब को 1000 रुपए दे, मुझे भी ना। 1000 रुपए? भाई किस खुशी में 1000 रुपए दे दिए उसको? शाहजेब ने कुरान शरीफ खत्म किया है इसलिए दिए। अच्छा तो क्या था जो अगर 500 रुपए मेरे बच्चे के हाथ पे भी रख देते हैं, बच्चा अपना समूह लेकर आ गया इतना सा। वो मेरा बच्चा, चल आ जा, खबर लेते हैं अभी दादा की, दे दर। चल बेटा आ मेरे साथ। मुखी बे अब्बू, अगर आपने शाहजेब को 1000 रुपए दिए थे तो कम से कम 500 रुपए मेरे बेटे के हाथ में भी रख देते, उसका भी दिल खुश हो जाता। इतना सौतेलापन क्यों आखिर? अरे भाई, सौतेले जैसा सलूक का क्या ताल्लुक है? पोता है मेरा ये भी, ये जब कुरान शरीफ खत्म करेगा ना तो 1000 के बजाय 2000 दूंगा मैं इसे। अजरा,
तुम्हें तो चाहिए कि अपने बेटे को ये कहो कि तुम भी जल्दी जल्दी कुरान शरीफ खत्म करो तो दादा तुम्हें भी इनाम देंगे। तो खामखा उलझ रही हो, और तुम क्या ये तासुर देना चाह रही हो कि दादा दादी जो है वो शाहजेब से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इससे नहीं। मैं बच्चों के दिमाग में कुछ नहीं डाल रही, सब कुछ नजर आते हैं बच्चों को, अंधे नहीं है मेरे बच्चे। शाहजेब आओ मैं आपको सैंडविच बना कर दूं। जा। अजरा बच्चे का हौसला बढ़ाओ कि वो कुरान खत्म करे, खामखा मत उलझो। अम्मी मेरे बच्चों को जब कुरान पर खत्म करना होगा ना उस वक्त वो कर लेंगे, आप क्यों उनके लिए इतनी हलकान हो रही हैं? मैं क्यों ना हलकान हूँ, आखिर को मेरे बेटी की औलाद है ना। बस बस रहने दे, कितना प्यार है आप दोनों को मैं जानती हूँ अच्छी तरह। मेरे बच्चों के साथ इस घर में सौतेलों जैसा सलूक किया जाता है, कोई प्यार व्यार नहीं करते आप लोग मेरे बच्चों से। चल तुम खा वखा जानती तो है इसकी फितरत को, बिना वजह इसके साथ तुम उलझती रहती हो। क्या करूं, पहले तो कुछ थोड़ा सा आपका लिहाज कर लेती, अब तो वो भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम बेटा। अबू मैंने आपको बताया था ना बाइक का, वो बाहर खड़ी आके देख लें जरा। अरे बेटा तुम्हें पसंद आ गई ना तो बस ले लो, मेरे देखने की क्या जरूरत है। पैसे बता दो कितने हुए, जवाब से कह दूंगा तुम्हें दे देगा। वो तो ठीक है लेकिन आप आए तो सही। अरे मैं क्या करूंगा देख के। अब चले जाए ना, आपको दिखाना चाह रहा है अपनी बाइक, जाए देखे। चलो आओ। आओ आए अबू। हाँ चल। ये देखे रमीज ने ज्यादा चलाई नहीं है, बस खड़े खड़े पुरानी हो गई है, इंजन इसका बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अच्छा वासिफ की शादी अगर बीच में ना आ गई होती ना तो मैं तुम्हें नई बाइक दिला देता। अरे अबू कोई बात नहीं, ये बहुत है मेरे लिए, काम निकल जाएगा मेरे इससे। जमाल को कह के ना कागजात चेक करवा लो। ठीक है। हाँ और हाँ बहुत एहतियात से चलाना बाइक, खबरदार अगर बगैर हेलमेट के मैंने तुम्हें बाइक चलाते हुए देखा तो, समझे? नहीं चलाऊंगा बगैर हेलमेट के। बेटा चाय पी कर ना, वो थोड़ा धनिया और हरी मिर्ची अस्मा को दे आओ, वो सब्जी वाले से लेना भूल गई थी। जी अम्मा, वैसे आपने बेबी बाजी से बात की, उनसे पूछा कि कल किस बात पे लड़ाई हो रही थी? वो बेचारी भी मेरे पास अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। वैसे ना फरहत अगर अजरा जैसी नहीं है ना तो अजरा से कम भी नहीं। यही तो समझाती हूँ मैं अस्मा भाभी को कि अगर वो सारी बातें पी जाएंगी ना तो वो दोनों मिलके उनको उतना ही दबाएंगी। लेकिन बेटा तुम्हें उनके घर के मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी कोई भी बात अजरा तक पहुंच गई ना तो वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अरे उसे तो पहले नहीं अच्छा लगता हमारा वहाँ आना जाना। लेकिन अम्मा जब तक बेबी बाजी है ना वहाँ पर तब तक हमें वहाँ आने जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई तो जो अस्मा भाभी की दिलजोई करे, मुझे तो लग रहा था कि जब फरद भाभी आएंगी ना वो अस्मा भाभी का सहारा बन जाएंगी। तो मुझे अजरा से भी दो हाथ आगे निकलती नजर आ रही, लेकिन बेटा तुमने वही करना है जो मैं तुमसे कह रही। अब देखो ना कल उनके घर से कितनी आवाजें आ रही थी, मैं जाना चाहती तो जा सकती थी, लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरे लिए भी बेहतर यही है कि मैं उनके घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करूं। बस अब तुम्हें भी बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है? चाय खत्म करके उसे धनिया दे। अरे क्या करूं मैं, ये अंडा तो मेरी जान को आ गया। अरे समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ रखूं, फ्रिज में रखूंगी तो कोई खा जाएगा पका के। एक काम करना तू अलमारी में रख दे, अलमारी में बच्चे घुसते हैं, हाथ मत लग गया तो गिर के टूट जाएगा। अरे एक काम कर किसी डब्बे में रख दे और छुपा दे,
हाँ ये तुमने अच्छा मशवरा दिया है। ठीक है ठीक है, इसको मैं जूते के डब्बे में रख देती हूँ। अच्छा ये बताओ वो कल किस वक्त चले फिर? एक काम करेंगे ना, 1 बजे तक चलते हैं ना। अरे हाय भाई 1 बजे कैसे जाएंगे, कल तो मेरा काम का दिन है ना, जब तक हांडी नहीं पकाऊंगी घर से नहीं निकल सकती मैं। एक काम करना तू अस्मा से बात कर, कोई ना कोई बहाना बना ले। हाँ ये हो सकता है, चलो मैं अस्मा से बात करती हूँ और इस अंडे को ठिकाने लगाती हूँ जरा। ठीक है बाद में बात करता है। बिना अल्लाह हाफिज के फोन काट दिया। अरे समन ये देखो मैंने नई बाइक ले ली। मुझे तो कहीं से नई नहीं लग रही। मेरे लिए तो नई है, तुम कभी किसी की खुशी में खुश मत होना। ज्यादा तपो तो मत, बहुत जबरदस्त बाइक है। जब तुम बाहर जाओगे ना तो लड़के अपना दिन थाम के बैठेंगे और बिल्कुल हीरो लगोगे तुम। अच्छा बस आई क्यों? अस्मा भाभी को मिर्चियां देने आई हूं। हां तो मिर्चे दो ना जाके, मिर्चे लगा क्यों रही हो? ज्यादा नाराज मत हो, कितने के लिए वैसे? अरे जाओ यार। नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगी? नहीं जा रही। नहीं सोच लो। सोच लिया। ठीक है। गली के बच्चे ये क्या बदतमीजी है? अभी मैं भी आंटी को बता के आती हूँ। बात तो सुनो, बताने की क्या जरूरत है? बेबी आंटी, बेबी आंटी देखिए वलीद ने मेरे ऊपर पूरा पानी फेंका है। ये क्या किया इसने? आप उसे बुला के डांटे। वलीद इधर आओ। क्या हुआ है? ये क्या हरकत है? मैं तो बाइक धो रहा था, ये खुद ही बीच में आ गई, मेरी गलती थोड़ी है। वलीद तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हारे अब्बा घर पर है। मैंने जान के नहीं किया। अंकल घर पर? हाँ। रुको तुम जरा, बता के आती हूँ मैं उन्हें। यार सुन लिया आपने? अच्छा मेरी बात तो सुनो। समन समन अरे मेरी बात सुनो, अच्छा बात सुनो। अब उसे मत कहो ना यार, मुझे भी उनसे बाइक के पैसे भी लेने। ठीक है नहीं कहती, तुम पहले 10 दफा उठक बैठक करो। नहीं करो ना तंग यार। सही है। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, मैं वो तुम्हें वो 1500 वाला बर्गर खिलाऊंगा जो तुम कह रही थी। हाँ हाँ वादा खिलाऊंगा, 2 खाऊंगी। वो इन फॉरन फ्री। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 ही खाने, 2 खिलाऊंगा पक्का पक्का। चलो हाँ हाँ खिलाऊंगा। दादा ने जो आपको पैसे दिए उसका क्या करोगे? गेम खेलूंगा, मेरी क्लास में सनी है ना, वो भी सेम वही गेम लेकर आता है लेकिन किसी को भी नहीं देता। अच्छा मुझे तो लगा आप अपने सारे फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट लेके जाओगे। मैं तो इतने सारे क्लास फेलोज हैं सबके लिए। खुशी जो है ना इंसान को दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। अगर आप गेम खरीदोगे तो वो तो सिर्फ आपकी होगी, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ कोई चीज शेयर करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, है ना? ठीक है, अब मैं सबके लिए चॉकलेट्स दूंगा और सबको दूंगा, लेकिन हसन को नहीं दूंगा, वो हमेशा मुझे तंग रखता है। मेरा तो ख्याल है कि खुशी सबके साथ बांटनी चाहिए, चाहे वो आपके साथ कैसा भी हो। अगर आप अपनी खुशी उसके साथ नहीं बांटोगे तो फिर आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? नानी तो मुझे ऐसे ही समझाती थी। नानी क्या कहती थी? नानी कहती थी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दोगे तो आप में और सामने वाले में क्या फर्क रह जाएगा। आप होमवर्क करो।
क्या सोच रहे हैं आप? वो वासिफ के बारे में सोच रहा था कि वो जरा काम सीख जाए तो उसे अलग दुकान करके दूं। आपने बात तो की थी एक तारिक रोड पर दुकान की, क्या बना उसका? नहीं, उसे छोड़ दिया मैंने। दरअसल नसीर और जमाल का कहना भी ठीक है कि पहले वासिफ को हम इसी दुकान पर बिठाएं ताकि वो डीलिंग सीख ले, लेकिन एक दुकान से खर्चे निकलने में तंगी हो जाती है। खैर, अल्लाह बड़ा कारसाज है, फिक्र ना करो। मैं ये सोच रहा हूं कि ये मामला हल हो जाए तो मैं और तुम उम्रा करके आ जाते। ये तो बहुत अच्छा होगा। राबी, चाचू मैंने कुरान खत्म कराना है तो दादा ने मुझे 1000 रुपीज दिए। वाह, चलो मार्केट चलते, तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट लेके देता हूँ। चले जाके दादी को बता दो कि मैं वासिफ चाचू के साथ मार्केट जा रहा हूँ। भाभी, मैं आपसे सॉरी कहने आया था, सुबह मैंने जो कहा गलत कहा। अरे छोड़ो इस बात, मैं तो भूल भी गई थी। नहीं, समझ ठीक कह रही थी, मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया, बस लड़ाई की वजह से परेशान हो गया था और फरद ने जो कहा वो मेरे दिमाग में बात आ गई। अच्छा छोड़ो इस बात, समन ने भी ना मेरी हमदर्दी में कुछ ज्यादा ही भूल थी, बाद में डांटा था मैंने उसे। आप नाराज तो नहीं है ना? पागल हो गए, वलीद से और तुमसे भला मैं नाराज हो सकती हूँ? अच्छा अब जाओ, इंतजार कर रहा। अच्छा सुनो, शाहजेब को लेकर मार्केट जाना है, चलो तुम भी। क्यों? इसने कुरान खत्म किया था। हाँ पता चला है मुझे, उसे मार्केट से कुछ दिला देते। हम शादी के बाद एक दिन भी कहीं बाहर नहीं गए और अब जाना है तो शाहजेब को लेकर जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो, रोजाना तो जाते हम तुम्हारे घर सामान की पैकिंग करने। ओ तो तुम इस तरह हिसाब किताब रखते हो। मैं हिसाब नहीं रख रहा, तुम एक बात कह रहा हूँ। मुझे नहीं जाना आसमा भाभी के बच्चे के साथ, वैसे भी मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। देखो आसमा भाभी ने अजमा भाभी को कुछ नहीं बताया। तो फिर किसने बताया? तुम इधर बैठो तो मैं बताता हूँ, बैठो ना, इधर बैठ। ये अज़रा भाभी की पुरानी आदत है, वो छुप के लोगों की बातें सुनती है, और मैं तो कहता हूँ उम्र उम्र से भी बातें कम किया करो, वो सारी बातें जाके बताते हैं अज़रा भाभी को। क्या वाकई वो ऐसे भी करती हैं? हाँ ना, और आसमा भाभी की तरफ से अपना दिल बिल्कुल साफ कर लो, वो कभी भी इधर की बात उधर नहीं करती। अच्छा चलो सही है, चलो जल्दी से चलो, शाहजेब वेट कर रहा है। फरहत चाची। हाँ शाहजेब। दादी बुला रही हैं आपको। अच्छा सुनो, पहले आके अम्मी की बात सुन लो फिर चलते हैं। हाँ अम्मी की बात सुन लो फिर चलते हैं। सही है। अगर आज अपने लिए खड़ी नहीं हुई ना तो कभी भी अपने लिए खड़ी नहीं हो पाओगी, फिर तुम्हारा मुकद्दर बस यही होगा, खिदमतें करवा करवा करना, ये बड़ी भी तुम्हारा कचूमर निकाल देगी।
जैसे कि हमारा निकाला हुआ है। वो कहते हैं ना, कौन सा मुहावरा है, पहले दिन ही बिल्ली मार लो ताकि बार बार म्याऊं म्याऊं ना करे। जी अम्मी, आप बुला रही थी? हाँ आओ बैठो। क्या कह रही थी? वो शाहजेब को बाहर लेकर जा रहे हैं ना मार्केट, तो बस तैयार हो रही थी। हाय अल्लाह, ये क्या बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, नई दुल्हन हो और ऐसे ही ना कुछ पहना गले में, ना कुछ कान में, और चूड़ियां कहाँ हैं तुम्हारी? अरे बेटा पहन के रखो ना, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, सच बन के रहना चाहिए, अच्छा लगता है। जी अम्मी। और मैं ये कह रही थी कि अपने कमरे से निकला करो, और जब तुम्हारे अब्बू आए तो उनको जरूर सलाम किया करो। सब लोगों के साथ उठो बैठोगी, घुल मिल जाओगी, तो ही खानदान का फर्द बनोगी ना। शाहजेब की आमीन रखिए जुम्मे को। मैं कह रही थी कि खाना तुम्हें बना लेना, इस तरह तुम्हारी खीर पकाई की हो जाएगी। अम्मी मैंने आज से पहले इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनाया है। तो कौन से लोग हैं बेटा? बस घर के ही होंगे, सिर्फ समन को और शनाज को बुला लेंगे। और वैसे भी फिक्र की कोई बात नहीं है, अजरा है, अस्मा है, वो तुम्हारा हाथ बटा देंगे। मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? मैं ये कह रही थी कि शाहजेब की जो आमीन है उसका खाना फरत बना लेगी, और तुम और अस्मा उसकी मदद कर देना। कब रखी आपने आमीन? इस जुम्मे को। इस जुम्मे को? ओ अम्मी, इस जुम्मे को तो मुझे अपनी अम्मी के यहाँ जाना है, उन्होंने दावत रखी हुई है। तो मना कर दो उन्हें, कह दो कि तुम नहीं आ सकती। ऐसे कैसे मना कर दूं भाई, मेरी अम्मी ने तो खालाओं को बुलाया है, उनके बच्चों को बुलाया है, और हमारा प्रोग्राम तो पहले से बना हुआ था। चलो जल्दी आ जाना, रात का खाना यहीं खाना, फरत और अस्मा मिलके खाना बना लेंगे। ठीक है, आ जाओ। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हें बता दूं कि सामान कहाँ रखा है किचन में। कैसी है वासी भाई? यार बाइक तो अच्छी है, कितने की दे रहा है? यार उसने मुझे बोले थे 40, मैंने 35 में डन किए। अबू से बात की? अबू ने कहा था कि जमाल भाई को पेपर्स दिखा दो, मैंने दिखा दिए, उन्होंने ओके कर दी। राउंड पे चले? यार बाद में चलेंगे, अभी फलत लेके जाना है। अरे 2 मिनट लगेंगे, आओ ना चलते। यार फलत लेके जाना, नाराज हो जाएगी। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, आ जाओ। जाना कहाँ है? आगे से होके आते हैं। चलो यार एक मिनट। अरे बाइक अच्छी है। है ना, अच्छी है ना, इसीलिए तो ली है। बैठो। यही सोच रही हो ना कि अभी शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बड़ी बीने काम पे लगा दिया। भाई इंसाफ की बात तो ये है कि अगर अस्मा के बेटे की आमीन है तो खाना भी अस्मा को ही बनाना चाहिए ना। तुम पर क्यों पहाड़ तोड़ रही है? तुम क्यों बनाओगी इतने बड़े टब्बर का खाना भाई? अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो, कम से कम पूरा 1 महीना तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर तो तुमने खिदमतें ही करनी है हमारी तरह, जैसे हम कर रहे हैं, किसी चक्की में पिसना है।
देखो, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है, लेकिन मैंने अपना दिल साफ करके तुम्हें गले लगाया है। जो कुछ भी हुआ सब गुस्से में हुआ, बस मैं ऐसे ही हूं, जो दिल में होता है वो मुंह पे कह देती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन मेरे दिल में कुछ नहीं होता। कम से कम मैं अस्मा की तरह नहीं हूं कि मुंह पे अच्छी और पीछे कुछ। तो फिर भाभी आप ही बता दें क्या करूं मैं। वासिफ से बात करो, बोलो उसे अभी तो मेरी शादी को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम्हारी माँ ने मुझे काम पे लगा दिया। साफ इनकार कर दो, कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की। देखो, अगर आज अपने लिए खड़ी नहीं हुई ना, तो कभी भी अपने लिए खड़ी नहीं हो पाओगी। फिर तुम्हारा मुकद्दर बस यही होगा, खिदमतें करवा करवा करना, ये बड़ी भी तुम्हारा कछुआ निकाल देगी जैसे कि हमारा निकाला हुआ है। वो कहते हैं ना, कौन सा मुहावरा है, पहले दिन ही बिल्ली मार लो ताकि बार बार म्याऊं म्याऊं ना करे। क्या अम्मी, लिखो 3 किलो चावल बिरयानी के लिए और 2 किलो टोटा। टोटा चावल क्यों मंगवा रही है? फरद की खीर पकाई करनी है ना, इसलिए। हाँ, और 3 किलो गोश्त और क्या था और क्या था और क्या था, क्या है क्या है क्या है, देखो अब याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा उलझाया है मुझे अदरा ने आज। ऐसा करें अभी रहने थे, बाद में लिखवाते थे। अब इसको देखो, वैसे तो उसके यहाँ से कभी फोन नहीं आता, जिस दिन हमने आमीन रखी है फौरन फोन आ गया कि उसी दिन ही उसने जाना है अपने माँ बाप के घर खाने पर, सारे काम ना करने के बहाने काम छोड़ने। आने दो जमाल को, आज पूछती हूँ मैं उससे, बात करती हूँ। अम्मी रहने दे, मैं संभाल लूंगी सब, बल्कि वो खीर भी रहने दे, वो भी मैं कर लूँ। फरहत ने खीर पकानी है ना, खीर पकाई तो उसी की है, तुम कैसे पकाओगी? यानी क्या था जो कि याद ही नहीं आ रहा। यार वैसे अजरा भाभी कह तो ठीक रही हैं, एक महीने से पहले मुझे इस घर का कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ तो तुम वासिफ से बात करो ना। क्या बात करूं उससे, वो तो मुझे बाहर लेकर जा रहा था तो कह रहा था शाहजीब को भी साथ ले जाते हैं। सायमा बाजी के शौहर भी यही करते हैं, कहीं भी जाना हो ना कोई भांजा या भतीजा साथ लग ही जाता है। फिलहाल तुम ऐसा करो, वासिफ से खाने वाली बात करो। यार देखो, मौका देख कर करती हूँ बात। वैसे एक चीज तो है, अजरा भाभी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी तेज है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, वासिफ आ गए। कहाँ गए थे तुम? वो वलीद ने नई बाइक ली है तो उसके साथ राउंड लगाने चला गया था। तुम तैयार नहीं हो अभी तक? नहीं, मूड नहीं है मेरा। अब क्या कह दिया अजरा भाभी ने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? तुम्हारी अम्मी चाहती हैं कि शाहजेब की आमीन के लिए मैं खाना बनाऊं। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? परेशान होने वाली बात है, एक महीना भी नहीं हुआ है मुझे इस घर के अंदर और तुम्हारी अम्मी चाहती हैं कि मैं काम काज में लग जाऊं। और वैसे भी अस्मा भाभी की औलाद है ना, वो बनाए खाना शौक से, मुझे क्यों कह रही है? अम्मी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, तो वैसे भी तुम अकेली थोड़ी ना हो, अजरा भाभी है, अस्मा भाभी है और समन भी आ जाएगी तुम्हारी हेल्प करवाने के लिए। मैं खाना नहीं बनाऊंगी।
देख तूने ये करना है, जैसे तेरा अब्बा घर पे आएगा ना है, उनके सामने ना जोर जोर से रोने लग जाना, ठीक है? बाकी सब मैं संभाल लूंगी, ठीक है? चुप करके बता कैसे रोएगा। ओए इतना नकली रो रहा है, सही से रो, सही से। रोना नहीं आता, कब से कह रही सही से रो, सही से रो। मेरा बच्चा तू छोड़ने रोने लग गया। चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। अम्मी हाँ अब्बू आ गए हैं, नीचे दादी के पास बैठे हैं। देखा आते ही बुढ़िया ने अपने पास बिठा लिया, मेरे पास कभी आने नहीं देती है, डायरेक्ट अपने पास बिठाती है। पहले इसके मकबरे पे 7 तोपों की सलामी दे, फिर यहाँ आता है वो। ए और जोर से रो। ये क्यों रो रहे? रो नहीं रहा था, मैंने मार दिया तो अब रोने लग गया। चल भाई ठीक से रहो। अब देखो मुझसे बहस करती है ना तो मैं पी जाती हूँ, लेकिन आज तो हद ही कर दी। तुम्हारे अब्बू के साथ बदतमीजी की है इसने। शाहजेब आया कि उसने कुरान शरीफ अपना खत्म कर लिया है, तुम्हारे अब्बा ने उसको पैसे निकाल के दिए। अब ये बजाय ये कि अपने बेटे को कहे कि हौसला दे कि तुम भी कुरान खत्म कर लो, उल्टा तुम्हारे अब्बा के साथ भेड़ पड़ी कि आपने शाहजेब को पैसे दिए हैं तो आप उमर को भी अब पैसे दें। अब जाहिर है उमर तो यही समझेगा ना कि दादा शाहजेब से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। चलो हम इस बात को भी पी जाते हैं। आज फरत को मैंने कहा कि आज खाना तुम बना लो, अस्मा और अजरा तुम्हारी मदद करते हैं। फौरन पटाख से बोली मैं तो अपनी अम्मी के यहाँ जा रही हूँ, वहां खाना खा लूंगी। मैंने कहा कि शाम को जल्दी वापस आ जाना। अब फरत वहां खड़ी हुई थी इसलिए मैंने ज्यादा बात नहीं की, मगर जो कुछ फरत अजरा को करते देखेगी तो वो भी उसी के नक्शे कदम पर चलेगी ना। ठीक कह रही है मियां। अब भैया तुम खुद ही उससे पूछ कर बता देना कि बच्चे की आमीन किस दिन रखी है। अबू मैंने कुरान खत्म कर लिया। अबू मैंने कुरान खत्म कर लिया। अरे वाह शाबाश, ये भाई ये रहा तुम्हारा इनाम। शुक्रिया ताया अबू। शाबाश, मैं बात करता हूँ जरा से, ठीक है? परेशान नहीं होइएगा। क्यों बेटा, वासिफ चाचू के साथ तुम गए नहीं मार्केट? वो कह रहे थे कि उनको काम है, वो मुझे बाद में लेके जाएंगे। तो अभी जाओ ना अपनी अम्मी के पास जाओ। नसीर तुम्हारा बेटा इतने शौक से आया, इतनी खुशी से आया तुम्हें बताने के लिए कि उसने कुरान खत्म कर लिया, और तुमसे ये ना हुआ कि उसका माथा चूम लो, उसके गाल थपथपा दो, उसको प्यार कर लो। जमाल भाई ने शाबाशी दे तो दी अम्मी। ठीक है उसको दादा ने पैसे दिए, जमाल ने दिए, मगर तुमने तो उसको इतना सा प्यार भी ना दिया। ठीक है ना दो उसको 10-15 हजार रुपए, मगर 500 रुपए ही उसके हथेली पर रखते थे, खुश हो जाता वो। अम्मी आपको तो बस मौका चाहिए मुझे बातें सुनाने का। बेटा वो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी औलाद है, उसका ख्याल तुम्ही ने रखना है। मैं भी आपकी औलाद था, आपने मेरा ख्याल किया। बस गुलशन आ रहा, मैंने भी ऐसा भरा ना फरत को कि मजा ही आ गया। मैंने कह दिया उसको कि तू साफ मना कर देना कि मैं कोई खाना वाना बनाने वाली नहीं हूँ, अब मजा आएगा। बड़ी भी बड़ी चाह से लेकर आई थी ना बहू को, अब पता चलेगा जब सीधा करेगी इन्हें। अच्छा सुन जमाल आ रहे, मैं बाद में बात करती हूँ। चल भाई चल, रो रोना शुरू कर, अभी रोना। बैठ कर ये क्यों रो रहा है भाई? ए चुप करो। जैसे इसकी मार होती है ना वैसे ये भी अपनी किस्मत को रो रहा है। चुप चुप करो। अच्छा चलो बाहर जाके खेलो बेटा, शाबाश। जाओ बेटा बस चुप हो जाओ, चल जाओ बाहर जाओ।
ये क्या हरकत की तुमने? क्यों ऊपर से बहस की तुमने? तुम्हारी अम्मा ने चढ़ा के भेजा है ना तुम्हें? जो पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दो। मैंने कोई बहस वगैरह नहीं की, मैंने बस अपने बच्चे के हक में आवाज उठाई है। वैसे तो तुम्हारे अब्बा बड़े समझदार बनते हैं, शाहजेब को उठा के 1,000 रुपए दे दिए। मेरा बच्चा भी वही था क्या? 500 रुपए मेरे बच्चे के हाथ में नहीं रख सकते थे? मेरा बच्चा सूखा मुंह देखता रहा उनका। शाहजेब ने कुरान शरीफ खत्म किया है, तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? और बात सुनो, ये तुम्हारे घर से दावत कहाँ से आ गई भाई? ना तुम्हारी अम्मी ने मुझे फोन किया ना बुलाया है, ये कौन सी दावत आ गई? वो अब आज फोन किया था ना अम्मी ने मुझे। अच्छा, बात करो मेरी। क्यों क्यों, क्या बात करनी है अम्मी से? तुम्हारी अम्मी को बता दो ना कि अजरा नहीं आ सकती, घर में तकरीब चल रही है। और कान खोल के सुन लो, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? शादी के बाद औरत का पहला घर ससुराल होता है, फिर मैका होता है। ये डायलॉग भी तुम्हारी माँ का ही है, हमेशा बोलती है वो ये बात। बड़े अफसोस की बात है, वो तुम्हें भर भर के भेजती है यहाँ पर और तुम औरतों की तरह यहाँ के मुझसे बातें करते हो, हैं? अच्छा बस बहुत हो गई, चलो जाओ, जाके चाय बनाओ मेरे लिए। पानी गरम आ रहा है। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मेरा मूड ठीक करना है ना, तो जाके अपनी अम्मी से बात करो। भरत, एक ही बात को लेकर क्यों बैठ गई हो? चंद दिन ऊपर नीचे हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? चंद दिन के बाद भी तो काम करना है ना। हाँ तो कर लूंगी चंद दिन बाद काम। तो अब भी करने में क्या मसला है? मसला है, मैंने अगर अभी से काम करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे घर वाले मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। उनको पता होना चाहिए कि मैं इनकार भी कर सकती हूँ, मेरा अपना भी कोई ओपिनियन है। तो ऐसा भी क्या कह दिया अम्मी ने, सिर्फ खाना बनाने के लिए कहा है? पर देखो, दुनिया की हर औरत शादी के बाद अपने ससुराल में काम करती है, खाना बनाती है। पूरी दुनिया में नई दुल्हन का एहसास भी किया जाता है, लिहाज भी किया जाता है। अब तुम फजूल में बहस कर रही हो मुझसे। अच्छा ठीक है, अस्मा भाभी से कह दूंगा, सब काम कर लेंगे। लेकिन तुम किचन में तो खड़ी हो जाओगी ना? लेकिन अम्मी को इनकार मत करना। देखो फरज, तुम्हारे इनकार से ना तुम पूरी जिंदगी बातें सुनोगी उनसे। अम्मी तो ये सब भूल जाएंगी, लेकिन अजरा भाभी वो तुम्हें हर बात पे ताना देंगी। बस कर दो वासिफ, हर बात में अजरा भाभी को विलन बनाना बंद कर दो, उनके साथ भी इस घर में यही होता होगा। अच्छा मेरी, बस कर दो, कह दिया ना खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी।